हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। तो आज देखिए मैं पहनी हुई हूँ साड़ी और आज मैं करवाने वाली हूँ मैं अपने रूम का होम टूर। तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड हो सकती है नाराज़ हो गई होगी क्योंकि बहुत दिन से बोल रही थी कि तुम अपना कुछ भी मत दिखाओ, मतलब होम टूर तो करवा दो, पूरा रूम का टूर नहीं करवा रही हो तुम, तुम अपना रूम का तो टूर करवा दो, कौन कैसा रूम है, कैसे सजाया है, अपना रूम तो दिखा दो। तो फाइनली आज मैं आपको मैं अपना रूम दिखाने वाली हूँ। तो क्या पता बहुत सारी फ्रेंड मेरी नाराज़ तो नहीं हो गई है क्योंकि बहुत दिन से वो बोल रही थी और मैं आज मेरा दिन बना है रूम दिखाने का। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा रूम और आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग हमें ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। और सिंपल है, बिल्कुल साधारण है, जो जैसा है वैसा ही है, बस थोड़ा सा हमने उसको सजाया है बस अपने रूम को थोड़ा सा। तो आप लोग हमें कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और आपको रूम दिखाते हैं। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, यहाँ से दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से है हमारा कमरा और ये जो आप हमारा ये गेट देख रहे हो ना, ये हमारा बिल्डर का दिया हुआ ही गेट है। तो हमने अभी इसके ऊपर कोई भी लैमिनेशन वगैरह नहीं करवाया। इस तरह से ये हमारा ये गेट है और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये इस तरह से है। ये इधर मैं आपको स्पेस इसलिए दिखा रही हूँ कि ये इतना ही स्पेस हमारा बचा है बेड रखने के बाद, हमारा ये स्पेस इधर बचा है। तो आप हमारा बेड देख सकते हो, काफ़ी बेड हमारा बड़ा है। तो ये इस तरह से ये है हमारा बेड और हमारा जो बेड था पुराना ही बेड है, आप लोग तो देख के पहचान जाओगे। तो ये इस तरह से हमने अपने रूम को थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमने रख दिया है एसी ब्लैंकेट और ये देखिए। उसके बाद बेड रखने के बाद हमारे रूम में जो स्पेस बचता है फ्रेंड यहाँ से, तो ये इतना हमारा स्पेस बचता है और एक वहाँ पे डोरमेट है और वहाँ एक स्लीपर रखा है वॉशरूम के लिए। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से, ये तो आपने देखा होगा हमारा पुराना ही है जिसमें मैं पहले रखती थी चूड़ियाँ, मेकअप का पूरा सामान, ये सारे सेट हमारा रहता था। और ये है हमारा ड्रेसिंग टेबल और ये हूँ इधर मैं, हेलो। तो इधर हूँ मैं, ये इस तरह से है बनाया हुआ और काफ़ी सारा स्टोरेज है, मैंने उसको कहा था उसी तरह से बनाने के लिए। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से है और लाइट की थोड़ी हमें कमी लग रही है फ्रेंड। और उसके बाद रखने के बाद मैं बताऊँ जो जगह बचती है, ये इतना जगह बचता है जो मुझे एक स्टूल लेना है, स्टूल लेके मेकअप करने के लिए। आप मेकअप बैठ के कर सकते हो लेकिन मेकअप करने के लिए क्या फ्रेंड, मेकअप करना भी तो आना चाहिए। बस बेड पे बैठ के ही मुझे जो करना होता है ना, थोड़े बहुत मेकअप सेकअप कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ तो सबसे पहले तो मैं चली जाती हूँ पीछे की तरफ, फिर मैं आपको अच्छे से दिखाऊँगी अपना वार्डरोब अपना। तो ये है इस तरह से हमारा वार्डरोब बना हुआ है, तो काफ़ी हमारा बड़ा है, काफ़ी सारे स्टोरेज अंदर भी है, काफ़ी बड़ा हमने बनवा दिया है। और वो कभी मैं आपको दिखाऊंगी कि अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, कोई भी बाहर बहुत गेस्ट भी आ जाए उनको भी कपड़े उपड़े रखने में कोई दिक्कत ना हो, नहीं होगा फ्रेंड। और ये सोच के हमने बनवाया ही था क्योंकि वहाँ पे बोल रहे थे कि आप ड्रेसिंग टेबल वहाँ पे भी ड्रेसिंग टेबल साइड में ही बनवा लो, लेकिन मैंने नहीं बनवाया वहाँ पे, मैंने ढेर सारे स्टोरेज ही बनवा लिए अंदर में। और ऊपर आप देख सकते हो इस तरह से वार्डरोब वगैरह ये जो बनाया है, काफ़ी सारे स्टोरेज वगैरह हैं, कुछ भी सामान रखने के लिए ये सारी चीज़ें जो है। और ये जो है हमारा फायर वाला जो पाइप है ना, इसको थोड़ा सा उन्होंने काफ़ी ये बड़ा कर दिया है, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है देखने में ना, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पीछे जो आप देख रहे हैं थोड़े बहुत कपड़े, तो ये पांडे जी के हैंग किया हुआ है पीछे, तो इसको थोड़ा आप इग्नोर कीजिएगा, ये सारी चीज़ें तो घर में मिलेंगे ही ना, तो कपड़े उपड़े। और मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ,
ये इस तरह से इन्होंने ऊपर पे ये लाइट लगाया था, मैंने तो बोला बोला नहीं था कोई लाइट वगैरह लगाने के लिए, तो इस तरह से इन्होंने लाइट लगाया है। तो रात में बहुत अच्छा लगता है देखने में, जब लाइट जल जाती है तो रात में वो रूप देखने में बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इस तरफ ये जो पर्दे हैं, तो पर्दे आप लोग बताइए, ये पर्दा भी हमारा पुराना ही है ना, पहले का ही पर्दा है हमारा, ये आप देख सकते हो। तो ये देखो, तो ये इधर बड़ी ही अच्छी सी ये दिया हुआ है खिड़की, तो यहाँ से हमारी देखिए बालकनी दिख जाती है। इसको ओपन करना चाहे तो ये ओपन हो जाता है इधर से, तो इस तरह से है जो बाहर का व्यू दिखता है इस तरफ बालकनी का, तो ये इस तरह से। और यहाँ पे हमारा लगा हुआ है विंडो एसी, जो हमारा एसी हमने लॉकडाउन के पहले ही ख़रीदा था, तो ये एसी हमारा लगा हुआ है। और हमने कार्टून वगैरह डाल के उसको थोड़ा सा सेट कर दिया है इस तरह से। चलिए एक बार फिर से दे देती हूँ मैं आपको फाइनल लुक लगाने को। फ्रेंड आप तो बहुत सारी चीज़ें घर में आप कर सकते हो, यहाँ पे वॉलपेपर लगा सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड, दुनिया में एक से एक चीज़ें हैं, बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें हैं। क्या आप अपने रूम को अच्छा बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जितना वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, तो जितना खर्च करो आप इसके ऊपर उतना ही अच्छा कमरा बन जाएगा। तो हमारा जो ये सिंपल सा ये रूम है, बताया ना, ये आप लोग हमें ज़रूर बताना कि कैसा लगा, कैसा लगा हमारा बेडरूम, तो आप हमें ज़रूर बताना कमेंट करके। और मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।